नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज आम प्रकृत प्रेम कौन जानवा, व्हाट इज ट्रु लव। प्रेम हूँ ईश्वर एक बरदान। यह मनुष्य जीवन में जिते भी भावना रही सबुठ उच्चतम और मूल्यवान भावना हूँ प्रेम। किंतु दुखर कथा आजिकाली समाज में 100-95% लोक मैंने प्रेमर अर्थ को निज ढंग से भावि था। किसी लोक भावि था शारीरिक आकर्षण ही प्रेम, आउ किसी लोक भावि था मूल्यहीन कथाबार्ता कर समय को अतिवाहित करने ही प्रेम। वास्तव में प्रकृत यह सब भूल कथा। वास्तव में प्रेमर अर्थ यह नुहे। प्रकृत प्रेम निस्वार्थपर भावन यह करा जाए। प्रकृत प्रेम कौन सी स्वार्थ न था। प्रकृत प्रेमर अर्थ है निजे सुखी न रही अन्य को सुख देवा। उदाहरण स्वरूप माँ निज संतान प्रति भल पाइबा। उदाहरण पौराणिक शास्त्र रामायण महाराज भरतक भगवान श्री रामचंद्र प्रति प्रकृत भल पाइबार प्रमाण मिलता है। यह प्रेम। आज आम गोटे छोट कहानी द्वारा प्रेम को बुझा। कहानी हूँ संपूर्ण सत्य और बास्तव। यह 1999 मसीहा महाबात्या समय कथा। कहानी हूँ समुद्र पाख अंचल गोटे ग्राम थिला। हठात खबर आसला बात्या हेब। समुद्र पाखे थिबा लोक माने सतर्क सूचना पाइगले जे समस्त लोक माने निज सुरक्षा रही कौन सी उच्च कोठाघर को जीवा पाए। आस्ते आस्ते समुद्र लुणा उठिबा को लागिला। जेतेबेले लुणा आसला समस्ते उच्च कोठाघर को समस्ते आश्रय पाए चलिले। निजर जहाँ जरूरी जिनस और आवश्यक औषध आवश्यक जिनस आवश्यक पदार्थ जीवन निर्वाह करने समस्त द्रव्य गोटे छोट छोट पुटुली बांधि उच्च कोठाघर को समस्ते चलिले। भितर जड़े छोट बालक जाइला। से जरूरी समय कई कहारी को देखला भाई अवस्था नथिले। से घरे पहुँचला परे से माने जेतेबेले किछ समय पर विश्राम नेले से माने हठात देखिले जे 14 वर्षर छोट पुओटा किछि सांगरे आनी कि आसिनी। ता पिठी उपरे अछि गोटे 5 वर्षर झियटे जिए लंगड़ा जे किछि कथाबार्ता करि पारेनी जे किछि सुनि पारेनी। लोक माने कहिले अरे अरे पुओ तमे सांगरे किछि भी आनी आसिन एठारे खाइब कौन आमको ये केते दिन रहिबाकु पड़िबो ठीक नहीं आमको ये दुई दिन रहिबाकु पड़े कि 5 दिन रहिबाकु पड़िबो एहा मते ठीक नहीं। से 14 वर्षर बालकटी कहिला मु जानिछि मो बयस हिसाब रे मु केतिकी ओजन बोही पारिबी जदि मु मोर सान भौणी की कांधरे बोहिकिरी आनिछि बा आनुछि मु कौन सी खाद्य पदार्थ आनी पारि ना। जदि मु खाद्य पदार्थ आनुची ताहले मु मोर सान भौणी की आनी पारि ना। जदि मु मोर सान भौणी की न आनुचे ताहले मु ता बिना बंची पारि ना। मु एति पई आनुची मु सान भौणी की मु बहुत भल पाए मोर यह प्रति बहुत भल पाइबा रहिछे। मु जाने मध्य मो सान भौणी रो गोड़ ना से किसी शुणीपर ना। मुझे मध्य से मो जीवन किसी आवश्यकता पूरण करना तथा ताबिना मु बचीपरि ना। प्रकृत यह हूँ प्रकृत प्रेम बा प्रकृत भल पाइबा। जो भी प्रकृत भल पाइबा अच्छे से किसी कंडीशन न था। पाइबार आशा हर और हरबार भय न था। प्रेम दीर्घस्थायी केमिति हेबो यार किसी पॉइंट को आमे ध्यान देबा पड़ो। प्रथम पॉइंट
ପ୍ରେମରେ ଆଶା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଶା ଉଭୟଙ୍କର ନ ରହିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଭଲ ପାଇବାରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଦେଖି ଭଲ ପାଇବେ ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରାଇ ବସନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୁଣ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରିପାରିବ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଭଲ ପାଇବାରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଭୟକୁ ସମୟ ଦେବା। ଉଭୟକୁ ସମୟ ଦେବା ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଉଭୟ ସଫଳତା ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଭଲ ପାଇବାରେ ସବୁବେଳେ ଗୁଣ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହିସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ତାହେଲେ ସେ ଭଲ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହେବ ଓ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସହିତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳ ହେବା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।